हैप्पी बर्थडे पूजा। थैंक यू जी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ तुम सदा खुश रहो। अरे पूजा, मैं जरूरी काम से ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये लो पैसे, अपने लिए कपड़े ले आना और अपनी दोनों बच्चों के लिए इनके पसंद पसंद के कपड़े ले आना, ठीक है ना? इनको दिला देना, ठीक है बेटी? अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय। अरे वाह मम्मी पापा, कितने सारे पैसे देगा। इन पैसे से ना सिर्फ हम हमारे लिए कपड़े लेकर आएंगे, इसके लिए नहीं लेके आ रहा है। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े और मेरे लिए अच्छी सी साड़ी। हाँ मम्मी, ये क्या करेगी कपड़े पहन के, बदसूरत सी शकल की लड़की। चलो चलो मम्मी बाजार चलते हैं। चलो बेटा। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ बाजार। हट दूर, तू क्या करेगी बाजार जाके? इन पैसों से ना सिर्फ हम हमारे लिए कपड़े लेकर आएंगे, तू नहीं, तू ना सिर्फ घर के किचन के सारे काम करेगी बस। निकल यहाँ से मेरी बेटी, क्या क्या चल करके काम कर। चल बेटा, तू ना सिर्फ उसी लायक है किचन के काम करने के लायक। जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना। जो मिलकर बेटा राधिका। बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े वगैरह लाना है क्या? हाँ मम्मा, मेरे लिए एक फ्रॉक लेकर आना। अरे मेरा बेटा, तुम्हें एक नहीं, मैं तुम्हारे लिए चार जोड़ी लेकर आऊंगी। तुम्हें ग्रीन कलर बहुत पसंद है ना? यस मम्मा। सारे ड्रेसेस ग्रीन कलर के लेकर आऊंगी, ठीक है मेरी बेटी? मम्मा मम्मा जागते थे नैना, शहर में पलक मीचते हैं यूं। देखो बेटा मैं आ गया। पापा आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ मैंने बोला था ना, मेरे को थोड़ा सा ऑफिस में काम था इसलिए मैं चला गया था। अरे बेटा तुम्हारी मम्मा और बहन नजर नहीं आ रही, कहाँ पे गए हैं वो दोनों? अरे पापा वो मार्केट गए हैं। अच्छा तुमको नहीं ले गए साथ में? नहीं पापा, वो आज मुझे बहुत सारा होमवर्क था ना, मैं इसलिए नहीं गई। अच्छा मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है ना। अच्छा बेटा मैं अंदर हूँ, ठीक है ना? टीवी में भी देखता हूँ, तुम कुछ दिक्कत हो ना तो मेरे को बोल देना, ठीक है ना? ओके। शॉपिंग कर ली और पहाड़ का खाना खा के तो मजा ही आ गया यार, फाइव स्टार होटल में। हाँ बेटा आज तो थक भी गए यार, बहुत थक चुके हैं। मुझे ना बहुत इच्छा हो रही मेरी ये ड्रेस पहन के देखूं मैं। अरे बेटा पहन लेना, किसने मना किया है? कितनी सुंदर लग रही है बेटा ये। हाँ। सबसे अच्छी तो तुझ पर ही लगेगी, भले वो सुंदर है। हाँ मम्मा, कहीं उस कलमुई की नजर ना लग जाए। अरे वो देख ना ले, उसकी आंखें ना फोड़ दूंगी मैं। मैं इनको रख देती हूँ। हाँ बेटा संभाल के रख दे अभी। हाँ मम्मा, बन्ना दीदी के लिए कितनी अच्छी न्यू ड्रेस लेकर आई है, मेरे लिए तो कोई भी न्यू ड्रेस लेकर नहीं आई। वाह मम्मा, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, मुझ पर कितनी सुंदर लग रही है। हाँ मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो तुम्हारे लिए ये एक कैप भी लेकर आई। वाह मम्मा। हाँ अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बेटा, और तुम्हारे जन्मदिन पर तो मैं इतनी सारी ड्रेसेस लेकर आऊंगी कि तुम भी सोच में पड़ जाओगी कि मम्मा मुझे कितनी ड्रेसेस लेकर आई है ना। तू है प्राण प्राण। इधर दिखाना बेटा। वाह मेरी बेटी तो एकदम राजकुमारी लग रही है इसमें, कितनी सुंदर। अरे एक अलमोही तू क्या देख रही, चल इधर आ जल्दी से। और खड़ी खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही, जल्दी इधर आ।
बेटा तू पहन के। जी मम्मा आपने मुझे बुलाया। मेरी बात सुन तू, मैं तेरे लिए कोई भी कपड़े नहीं लाई। अगर ये बात तूने तेरे पापा को बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लेना ये तू। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब निकल यहाँ से, मेरे कपड़ों पे नजर मत लगा तू। जा यहाँ से। सुन पापा को बोल मत देना, बोल मत देना पापा को, बोल मत देना कि मैं नए कपड़े नहीं बोलूंगी। दीदी नहीं, मैं पापा से नहीं बोलूंगी। मम्मा दीदी से बोलो ना मुझे ना मारा करे। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगी, लेकिन कान लगा के हमारी बातें मत सुना कर, ठीक है ना। और हाँ, तूने मुझसे किससे पूछकर मम्मा कहा है? मैं कोई मम्मा मम्मा नहीं हूँ तेरी। तेरी माँ तो मर गई, परलोक सुधर गई। चल जल्दी घर का काम कर, सारा घर मुझे क्लीन चाहिए। जा यहाँ से, निकल जा ना, जा। कुछ ऐसी हमारी बातें सुनती रहती है। हाँ मम्मी, यार खराब खराब करके रख दिया पूरा। बेटा तू कपड़े पहन के देख कैसे लगी। मिस बेटा मुझसे कैसे लगी, कैसी लगी? वाओ अच्छी लग रहा है मम्मा, सच में बेटा। अरे बेटा ये तुम क्या करने लग रही हो? हाँ किससे पूछ के ये साफ सफाई कर रही हो? बेटा अभी तुम्हारे पढ़ाई करने के, खेलने कूदने के दिन है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। लाओ मुझे दो, ये काम मेरे हैं, ठीक है? तुम खूब खेलो कूदो और पढ़ाई करो, जाओ। मम्मा मम्मा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाऊं। किससे पूछकर जा रही बाहर खेलने? किसने बोला है तुझसे खेलने की? मम्मा मम्मा जाने दो ना। मेरी सारी नाखून पहले इसका सेब खराब कर दिया तूने। चल जल्दी घर के काम कर। मम्मा मम्मा मैंने घर के सारे काम कर दिए। झाड़ू लगा जाके जा। झाड़ू लगा दिया मैंने। झाड़ू लगा अच्छा बेटा अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? मम्मा मम्मा मत जाओ ना, आपके बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा कभी तुम्हारी मम्मा नहीं हुई तो तब भी तो तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा ना। मम्मा मम्मा आप ऐसी बातें मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे मेरा बेटा कितना प्यार करता है मुझसे, कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है बेटा? अब चिंता मत करना। मुझे मम्मा आपकी बहुत याद आती है, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? इसकी तो इसने मेरे कपड़े पहन लिए, मैं अभी मम्मा से बोलकर आती हूँ। मम्मा आप चलो मेरे साथ। क्या हुआ बेटा? मम्मा आप चलो, आपको कुछ दिखाना है। चलो चलो। पर हुआ क्या बेटा? मेरे साथ तो चलो। अरे बेटा क्या हुआ? ये देखो इस भूतनी को देखो। क्यों रे, तूने किससे पूछा मेरी बेटी के कपड़े पहने? चल निकाल उसके कपड़े अभी। निकाल मेरे कपड़े, ले दे इधर। छीन ले बेटा सब कुछ। ओ ये मेरा हेयरवेल किससे पूछ के लगाया? दे इधर। तू हमारे घर के कामों के लिए बनी ना कि ये कपड़े पहनने के लिए? किसने बोला था तुझे इतने अच्छे से तैयार हो जा? और ये कपड़े भी ना मुझे चाहिए अभी। निकाल इनको, निकाल जल्दी। मेरी बेटी ने क्या बोला, जल्दी कर। तुझे पता नहीं है, तुझे हमने घर में सिर्फ इसलिए रखा है ताकि तू घर के काम करे। खुद की माँ को तो खा गई, अब क्यों मुझे खाएगी क्या? हाँ पागल।
और कहेंगे तुझे समझ में नहीं आता तेरी माँ को मार गई। बस करो, बहुत हो गया। अरे पापा आप कब आए? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम कैसा व्यवहार कर रही हो राधिका के साथ? हाँ अरे पापा वो तो हम ये बोल रहे थे कि देखो ना राधिका कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ देखिए आप हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, वो ही तो देख रही थी मैं कि कितनी सुंदर लग रही, परी जैसी लग रही है, एकदम किसी की नजर न लग जाए। हाँ डॉल की तरह बिल्कुल। बंद करो, बहुत हो गई तुम्हारी ये नौटंकी। मैंने सब कुछ छुप कर देख लिया था, ठीक है ना। अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम बिनवा की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करोगी। और बेटा तुम ये गलत काम करने में अपनी माँ का साथ दे रही हो। हाँ अरे तुमने इस मासूम सी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, इसकी माँ ऊपर से क्या देख रही होगी। हाँ कुछ तो सोचा होता। और हाँ कोई बंदना के साथ ऐसा करेगा, तुम उसको छोड़ के चली गई, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा? हाँ तुमको बोलो। हाँ आपने सच कहा, हम मुझे राधिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राधिका बेटा आजा, मैं अब तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी बेटा। हाँ पापा आप भी मुझे माफ कर दो, मेरी प्यारी बहन छोटी बहन मुझे माफ कर दे तू, मैंने सच में तेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मैंने दोनों में फर्क किया, मुझे माफ कर दीजिए। पापा अब हम आगे से ना हिल मिल के और अच्छे से रहेंगे। हाँ बहुत अच्छे से रहेंगे, अब मैं कभी इसके काम भी नहीं कराऊंगी। हाँ सारा काम करता मैं ही करती हूँ। बेटी मेरी बेटिया तेरी आरती उतारूं तेरे नाम से जुड़े।